हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के नीटिंग क्रिएशन। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी ये बेबी कैप लेके आई हूँ। जितनी देखने में सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है और बहुत ही प्यारी इसकी फिटिंग बन के आती है। और इसके अंदर सिर्फ 25 ग्राम वूल लगी है और मैंने ये 6 महीने के बच्चे के साइज की बनाई है। 6 महीने के बच्चे को ये आराम से आएगी। अगर आप इसमें न्यू बोर्न बेबी के लिए बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फंदे थोड़े से कम कर लीजिएगा। मैंने 25 फंदों में बनाई है, आप यहाँ पे इसमें 20 फंदे डाल लीजिएगा। और आप अगर इसको बनाना चाहते हैं 1 साल के बच्चे के लिए तो आप यहाँ पे इसके अंदर 30 फंदे 32 फंदे डाल लीजिए। और बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 35 फंदे डाल लीजिए। बनाने का प्रोसीजर सेम ही रहेगा और बहुत ही प्यारी सी हमारी ये कैप बन के आई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बुनना शुरू करते हैं। अगर कैप आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो देखिए, इस बेबी कैप को बुनने के लिए मैंने यहाँ पर ये वर्धमान वाली बेबी वूल ली है और ये 10 नंबर की नीडल्स ली है। तो चलिए हम कैप बुनना शुरू करते हैं। तो इस कैप को बुनेंगे हम, यहाँ पे ये सिंगल धागा लेंगे। सिंगल धागे से हम फंदे डालेंगे। सबसे पहले एक नोट बनाएंगे और नोट बनाने के बाद इसका एक फंदा बुन लेंगे ऐसे। फिर जो ये छोटे वाला धागा है, इसको अंगूठे के ऊपर करेंगे ऐसे और इसको उंगली के ऊपर करेंगे। अंगूठे वाले के नीचे से डाल लेंगे और उंगली वाले का फंदा बना लेंगे ऐसे, 2 फंदे। फिर से यहाँ से डालेंगे और उंगली वाले के धागे से फंदा बुनेंगे 3। फिर से यहाँ से डालेंगे, फिर ऐसे बुनेंगे 4। फिर से डालेंगे, फिर ऐसे बुनेंगे 5। फिर से डालेंगे, ऐसे बुनेंगे 6। तो ऐसे ही बुनते हुए हम यहाँ पे 25 फंदे डाल लेंगे। तो ये 25 फंदे हमने डाल लिए हैं। सीधी तरफ है फर्स्ट रो है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से कैप बुनना शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग के 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3 और 4। ये 4 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस पूरी रो को उल्टा बनाएंगे। पूरी रो को ऐसे उल्टा बुन लेंगे। स्टार्टिंग की रो है, थोड़े से फंदे ये टाइट से लगते हैं, फिर तो ये आगे आराम से बनती जाएगी। ये हमारी फर्स्ट रो बन के कंप्लीट हुई। अब आएंगे हम सेकंड रो। तो यहाँ पे फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी रो को उल्टा बुनते जाएंगे। लास्ट के 4 फंदे यहाँ तक हम इसको उल्टा बुनेंगे और लास्ट के 4 फंदे सीधे बुनेंगे। यहाँ तक अब हमने उल्टे फंदे बुन लिए। अब धागा पीछे करेंगे, अब जो ये 4 फंदे इनको सीधा बुनेंगे। ये 4 फंदों में हमारा बॉर्डर बनता जाएगा ऐसे। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को लास्ट को उल्टा बुनेंगे। अब आएंगे हम सीधी तरफ, तो इस फंदे को सीधा ऐसे ही उतार लेंगे और ये फंदे सीधे बुनेंगे। तो 2, 3 और 4, 4 फंदे ये बॉर्डर के बुन लिए। अब यहाँ पे हम फंदा बढ़ाएंगे तो धागा अपनी तरफ करेंगे। अब जो ये फंदा है, इस फंदे के नीचे से यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा ऐसे यहाँ से बुनेंगे, फिर इस फंदे को बुनेंगे। तो हमारा यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। अब पूरी रो को उल्टा बुनते जाएंगे ऐसे, इस रो को पूरी को उल्टा बुन लेंगे। लास्ट का फंदा आएगा तब वहां पे हम फंदा घटाएंगे।
बहुत ही प्यारी कैप बन के आएगी, एकदम रेडीमेड लुक में, और फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है इसकी पहनने के बाद। अब हमारे ये यहाँ पे तीन फंदे बचे हुए हैं, लास्ट का फंदा छोड़ के, और ये दो फंदे हैं, इन दो का एक करेंगे यहाँ पे, और लास्ट के फंदे को फिर से बुन देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड है ये, यहाँ पे फंदा हमारा बढ़ेगा, यहाँ पे फंदा घटेगा। तो अब देखिए, यहाँ से इस फंदे को उतारेंगे, ऐसे ही स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी रो को उल्टा बुनते हुए जाएंगे। बैक साइड से हम नहीं फंदा घटाएंगे, नहीं फंदा बढ़ाएंगे, उल्टी सिलाई बनाते हुए इसको पूरा करेंगे। जो लास्ट के चार फंदे हैं, उन चार फंदों को, जो ये लास्ट के चार फंदे हैं बॉर्डर के, इनको यहाँ पे सीधा बुनेंगे। बॉर्डर वाले फंदे हमारे दोनों तरफ से सीधे ही बनते जाएंगे। अब ये लास्ट के चार फंदे हैं, धागा पीछे करेंगे, इन चार फंदों को सीधा बना लेंगे ऐसे, सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के फंदे को उल्टा बना देंगे। अब आ गए हम सीधी तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने अब ये रो बनाई है, फर्स्ट और सेकंड, एक रो हमने ये बनाई थी बेस देने के लिए, आगे हमने स्टार्ट की थी जहां से फंदा बढ़ाया था, फर्स्ट रो और सेकंड रो। ध्यान दीजिए, अब ये थर्ड रो है, इस फंदे को उतारेंगे और इन तीन फंदों को सीधा बुनेंगे, दो तीन और चार। अब फिर यहाँ से फंदा बढ़ाएंगे तो धागा अपनी तरफ करेंगे, जो ये फंदा बुना हुआ है इसके नीचे वाले होल से यहाँ से सिलाई डालेंगे और फंदा उल्टा बुनेंगे ऐसे, फिर इस फंदे को बुनेंगे। तो ये थर्ड रो है, इसको लास्ट तक उल्टा बुनते जाएंगे। अब यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया था, सीधी साइड है थर्ड रो, और यहाँ पे हमने फंदा घटाना है, तो यहाँ पे दो का एक करेंगे, इस फंदे को फिर उल्टा ही बुनेंगे। अब आएंगे हम बैक साइड में, यहाँ से इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी रो को उल्टा बना लेंगे। ये हमारी फोर्थ रो है, यहाँ से हम फंदा नहीं घटाएंगे और नहीं फंदा बढ़ाएंगे, सीधी तरफ से फंदा बढ़ाएंगे और सीधी तरफ से ही फंदे को घटाएंगे। पूरी ही कैप में हम ऐसे ही बुनते जाएंगे, सीधी तरफ से हम फंदा बढ़ाते हैं और सीधी तरफ से ही घटाते हैं, बैक साइड से हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे। अब ये लास्ट के चार फंदे हैं, यहाँ पे इन फंदों को सीधा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। लास्ट का फंदा है, इसको उल्टा बुनेंगे। अब आ गए हम पांचवी सिलाई में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 25 फंदे डाले थे, फंदे हमारे 25 ही रहेंगे, जो फंदा हम यहाँ से बढ़ाएंगे वही फंदा यहाँ से घटा देंगे, तो फंदे 25 ही रहेंगे। हमारा ये जिगजैग में इस तरह से बन के डिजाइन आएगा, इसकी हमने जैसे ये बेसिक रो को छोड़ के इससे आगे जैसे हमने चार सिलाई बनाई है, ऐसे ही हम इसकी आगे सिलाइयां कंप्लीट करेंगे, एक धारी और दो धारी। तो इसकी आगे थोड़ा सा पार्ट बना के मैं आपको इसको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पार्ट हमारा इस तरह से बन के आया है, जैसे जिगजैग का डिजाइन होता है, इस तरफ से जाएगा ये, यहां से फंदे हमने बढ़ाए थे, तो हमने ये 30 सिलाइयां बनाई है, टोटल 15 धारियां हैं हमारी ये सीधी तरफ और 15 है हमारी बैक साइड में। तो यहां से हमने फंदे को बढ़ाया है और यहां से घटाया है, तो इसी वजह से इसका जिकजैक का डिजाइन ऐसे बन के आया है, थोड़ा तिरछा तिरछे तिरछे शेप में इसका डिजाइन बनता जाएगा। तो अब हमने 15 सिलाइयां सीधी तरफ से और 15 उल्टी तरफ से बनाई, तो ये हमारी 30 सिलाई बन चुकी है। अब हम यहाँ से पार्ट में चेंजिंग करेंगे, अब तक हमने यहाँ से फंदे बढ़ाए थे और यहाँ से घटाए थे, अब हम यहाँ से फंदा घटाएंगे और यहाँ से बढ़ाएंगे। तो देखिए कैसे घटाएंगे और कैसे बढ़ाएंगे। फर्स्ट फंदा ऐसे ही उतारेंगे, सीधी साइड है,
और ये चार फंदे ऐसे ही बनेंगे हमारे जैसे स्टार्टिंग से बनते आए हैं। ऐसे चार फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ। अब ये जो दो फंदे हैं इन दो का एक करेंगे, यहाँ से दो का एक आगे की तरफ से उल्टा फंदा बना देंगे, फिर पूरी रो को बुनते जाएंगे। थर्टी सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारी 31 सिलाई है, 31वीं सिलाई है और सीधी साइड है। जब हमारे लास्ट के तीन फंदे रह जाएंगे तो हम यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे, दो फंदे रह जाएंगे, सॉरी ये दो फंदे रह चुके हैं, लास्ट के फंदे को छोड़ के इससे पहले फंदे पर फंदा फिर बढ़ाएंगे। यहाँ पे अब हमने घटाया था, यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो जैसे बढ़ाया था ऐसे घटाया था, अब यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और उसी तरह से फंदा फिर से बढ़ा देंगे यहाँ पे। अब इस फंदे को फिर बुन लेंगे उल्टा ही, लास्ट के फंदे को भी उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ से एक फंदा कम हुआ है, यहाँ से एक फंदा बढ़ चुका है। अब फिर बैक साइड में आएंगे, फर्स्ट फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। लास्ट के चार फंदे हैं बॉर्डर के, उनको हम सीधा बुन लेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन में स्टेप बाय स्टेप आपको इस कैप को बनाएंगे, बनाना सिखाएंगे। बहुत ही प्यारी कैप बन के आएगी और बनाना बहुत ही आसान है। जैसे हमने ये 15 धारियां यानी 30 सिलाइयां बनाई है, ऐसे ही 30 सिलाई हम फिर से बनाएंगे। थोड़ा सा सिर्फ चेंजिंग यही आएगा, लास्ट के फंदे हैं इनको सीधा बुनेंगे। लास्ट का फंदा है इसको उल्टा। अब आ गए हम सीधी तरफ। तो देखिए ये हमारी 15 धारियां तक हमने यहां से फंदे बढ़ाए थे, 16वीं धारी में हमने यहां से फंदा घटा दिया, यहां से बढ़ाएंगे। तो अब जो डिजाइन हमारा ये इस तरफ था, अब ये यहां से इस तरफ जाएगा, ऐसे जिक जैक में बन के आएगा। तो जैसे हमने ये यहां पे 15 धारियां बनाई थी, ऐसे ही आगे 15 धारियां बनाएंगे। 30 सिलाइयां टोटल, दो सिलाइयां हमारी बन चुकी हैं और आगे की सिलाई को भी हम ऐसे ही बनाएंगे। फंदे को उतारेंगे और ये चार फंदे हम सीधे ही बुनेंगे, ये हमारे लास्ट तक ऐसे ही बनते जाएंगे। चार बन गए, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर यहां से दो का एक करेंगे ऐसे, फिर पूरी रो को बना लेंगे। फंदे हमने जो स्टार्टिंग में डाले थे, फंदे लास्ट तक हमारे वही 25 फंदे ही रहेंगे। नहीं फंदे घटेंगे नहीं बढ़ेंगे, सीधी तरफ से फंदे को घटाते जाएंगे और सीधी तरफ से ही बढ़ाते जाएंगे। लास्ट के फंदे तक हम उल्टा बुनेंगे और जो लास्ट का फंदा आएगा उससे पहले हम इसमें फंदा बढ़ा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो फंदे हैं, इस फंदे पे फंदा बढ़ाएंगे तो नीचे से यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ से फंदा बुनेंगे, फिर इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे, लास्ट का फंदा फिर से उल्टा। बैक साइड से पूरी रो को उल्टा बुनते जाएंगे, ये बॉर्डर के फंदे ऐसे ही बनते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले ये 15 धारियां बनाई थी, ऐसे ही फिर बनाएंगे, इसके आगे के पार्ट को ऐसे ही कंप्लीट करते जाएंगे। तो इसके जैसे ये एक पार्ट बना है, ऐसे ही हम 5 पार्ट और बनाएंगे। एक बार हमने जैसे यहाँ से फंदा, ये फंदे घटाए हैं, यहाँ से बढ़ाए हैं, अब फिर यहाँ से बढ़ाएंगे, दूसरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर से यहाँ से घटाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, फिर घटाएंगे, ऐसे ही बनाते हुए हम ये इतने 5 पार्ट बना के कंप्लीट करेंगे। फिर आपको दिखाएंगे आगे के पार्ट को हमने कैसे बुनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे कैप की लेंथ बन के तैयार हो चुकी है। इसकी अगर हम लेंथ को मेजर करेंगे तो हमारी ये यहाँ से यहाँ तक 15 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा, 16 इंच लगा लीजिए आप, इतनी बन के आई है। तो जब बच्चे के सिर से ऐसे मेजर करेंगे चारों तरफ से ऐसे घुमा के, तो उतनी लेंथ हमने बनानी होती है। मैंने इसके लिए 15 इंच की गोलाई चाहिए थी, तो मैंने इसको 15 इंच बनाया है।
जैसे अब इसको मेजर करेंगे बनाते वक्त तो कैसे करेंगे, ये पार्ट यहां से लेके और यहां तक ये 5 इंच है, फिर ये 5 इंच है तो 10 इंच हो गए, और साइड में ये हाफ हाफ पार्ट हमारा बना हुआ है तो 2.5 इंच का ये है और 2.5 इंच का ये है। तो देखिए इसको ऐसे मेजर करेंगे तब हम यहां से और यहां तक ये हमारा बीच में 2.5 इंच आता है, तो 15 इंच टोटल हमारे इसकी लेंथ है। तो इसके 3 पार्ट करेंगे हम, 5-5 इंच के 3 बना लेंगे, 2 5-5 इंच के बनेंगे और 2 2.5-2.5 इंच के बनेंगे। तो देखिए जैसे हमारे ये बीच में पूरे पूरे पार्ट बने हुए हैं, ये पूरे पूरे बने हुए हैं, 2 साइड में हाफ है। अब इसकी लेंथ कंप्लीट हो चुकी है, 25 फंदे डाल के मैंने इसको बनाया है और लास्ट में भी हमारे 25 ही फंदे हैं। अब हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे, तो ये 2 का 1 करेंगे यहां से। अब इस फंदे को लेंगे, थोड़ा सा लूज रखेंगे इसको और इसको फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को वापस निडल पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, वापस इसी निडल पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ कर लेंगे, यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। तो हमारे ये सभी फंदे बाइंड ऑफ हो चुके हैं ऐसे। अब इस धागे को काट लेंगे और इसके अंदर से निकाल के इसको टाइट करेंगे ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे फंदे बाइंड ऑफ हो चुके हैं। अगर आप इसमें छोटा साइज बनाना चाहते हैं और बड़ा बनाना चाहते हैं, जितने भी साइज में आप बनाएंगे बच्चे के सिर से मेजर कर लीजिए, जैसे ऐसे घुमा के इसको फित्ते को ऐसे सिर के साथ लेके आएंगे चारों तरफ से, तो जितनी इसकी लंबाई होगी, जैसे हमारी ये यहाँ पे 15 इंच थी, तो 15 के हमने 3 पार्ट किए, 2 पार्ट 5-5 इंच के और 2 पार्ट 2.5-2.5 इंच के। अगर आप छोटी बनाना चाहते हैं और आपकी लेंथ 12 इंच है तो 12 के पहले 3 हिस्से बनाइए आप, तो 4 और 4 8 और 4 12, तो 2 4-4 इंच के आप बना लीजिए और 2 आप 2-2 इंच के बनाइए। जैसे अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 20 फंदे डाल लीजिए, और जैसे आपकी लेंथ है चारों तरफ से घुमाने के बाद 12 इंच, तो आप यहाँ पे 2.5 की बजाय आप 2 इंच तक बुनिए, फिर जो ये बीच का पार्ट है ये आपका 4 इंच बन जाएगा। वैसे ये सेम बराबर ही आता है, जैसे ये मैंने ये 2.5 का बनाया है, फिर ये 2.5 का बनाया है, फिर ये 2.5 का बनाया है, ऐसे ही बनाते हुए मैंने इसको कंप्लीट किया है। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम इसकी सिलाई करेंगे, ये यहां से हमारा सीधा पार्ट है ऐसे। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे यहां से और यहां तक, पहले हम इन दोनों पार्ट को इसको सील लेंगे ऐसे। इसकी हम सिलाई करेंगे बारीक बारीक टांग के लगाते हुए, यहां से हम इसको सील लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ये पार्ट हमने सील लिया है। अब जो ये बीच का हिस्सा है इसको देखिए ऐसे नहीं सिलेंगे जैसे ये है, इसको ऐसे करेंगे ऐसे, इसको यहां से और यहां तक सिलेंगे। बहुत ही प्यारी कैप बन के आएगी, एकदम रेडीमेड लुक में नजर आएगी, और फिटिंग भी इसकी बहुत ही अच्छी आती है, जल्दी से बन के तैयार होती है, और ऊन भी इसके अंदर बहुत ही कम लगती है। इसकी ऐसे यहां तक सिलाई कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहां तक हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां से हम इस वूल को काट लेंगे ऐसे ऐसे।
अब इसकी हमने ये आज्ञा की है, इसको ऐसे ही सिलाई नहीं करेंगे, इसको फिर ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे यहां से यहां तक सिलाई करेंगे, फिर इसकी यहां से यहां तक सिलाई करेंगे। तो देखिए अब इसकी यहां से यहां पकड़ेंगे ऐसे, ये बीच में आ जाएगा, यहां से यहां तक इसकी फिर से सिलाई करेंगे। यहां से लेके और यहां तक, फिर इसकी यहां से यहां तक इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कैप की सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है ऐसे। अब जो हिस्सा हमारा दोनों साइड से सिलाई हुई थी इसकी, ये यहां पे, इसको हम बैक साइड में रखेंगे ऐसे, ये सिर के पीछे वाले हिस्से में आ जाएगा। और जो ये हिस्सा है इसको हम ऐसे ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे यहां पे एक बटन लगाएंगे, ये बटन है मेरे पास, ये फैंसी बटन है, इसको हम यहां पे अटैच करेंगे। ऐसे इसको यहां पे लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये बटन अटैच कर दिया है। अब जो ये साइड के हैं दो पार्ट, इन पे हम डोरी लगाएंगे। तो यहाँ पे हम डोरी बनाएंगे, उसके लिए हम लेंगे ये दो नीडल्स ऐसी जो दोनों तरफ से हमारी प्लेन होंगी, जिससे हम गले की बुनाई करते हैं। तो यहाँ से अब हम फंदे उठाएंगे डोरी बुनने के लिए। एक, दो और ये तीन, तीन फंदे हमने बुन लिए। अब इस निडल को वापिस करेंगे पीछे की तरफ, फिर से इन फंदों को सीधा बनाएंगे, सीधे सीधे बुनते हुए इस डोरी को हम कंप्लीट करेंगे। फिर से वापिस इस निडल को पीछे करेंगे, फिर यहीं से ही बुनेंगे। तो हमारी ये गोलाई के अंदर बहुत ही प्यारी सी डोरी बन के आएगी। अब फिर वापस इसी निडल पे करेंगे, ऐसे ही बुनते हुए जितनी आपको इसकी डोरी की लेंथ चाहिए आप उसकी उतनी लेंथ बुन लीजिए, फिर वापस ऐसे ही कीजिए। ऐसे ही मैं इसकी दोनों डोरी कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि बनने के बाद ये कैसे बन के आएगी। ऐसे गोलाई में ऐसे आप इसकी ऐसे पीछे करते जाइएगा और सीधे सीधे फंदे बुनते जाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, डोरी की लंबाई हमारी बन के कंप्लीट हुई। ये मैंने 5 इंच के करीब बनाई है, जैसे यहाँ से मेजर करेंगे तो यहाँ तक ये हमारी 5 इंच की डोरी बन के तैयार है। तो अब इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, तो तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से ऐसे इकट्ठा बुनेंगे। इकट्ठा बुनने के बाद इस धागे को हम काट लेंगे और इसके अंदर से निकाल लेंगे, यहां से इसको निकाल लेंगे और इसको टाइट कर देंगे। तो देखिए हमारी ये दोनों डोरियां बनके कंप्लीट है। अब हम इसके यहाँ पे ऊपर एक पोम पोम लगाएंगे। तो देखिए उसको कैसे बुनेंगे, ऐसे लेंगे धागा और चारों उंगली के ऊपर से ऐसे, जितना आपने मोटे साइज में बनाना है आप उतना ही धागा इस पे लपेट लीजिए। तो देखिए मैंने ये यहाँ पे लपेट लिया है। अब इस धागे को हम थोड़ा सा लंबा यहां से काटेंगे और इसको ऐसे टाइट बीच में ऐसे इसको टाइट बांधेंगे।
एक नोट और लगाएंगे, ऐसे है ऐसे नोट लगा लेंगे, एक बार फिर से लगाएंगे। और अब इसके दोनों साइड से इनको काटेंगे यहाँ से, और इसको भी काट लेंगे। अब इसके चारों तरफ से ऐसे काट के इसकी शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पोम पोम बन के तैयार है। अब हम इसको यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, ऐसे सुन डाल लेंगे और इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। ऐसे इसको यहाँ पे लगा के और अंदर की तरफ इसकी नोट लगा देंगे यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पोम पोम लगा दिया है और इसके डोरी के आगे भी मैंने ये दोनों डोरी के आगे भी ऐसे ही पोम पोम लगाया है। और हमारी कैप बन के तैयार है, बहुत ही सुंदर कैप बन के आई है और बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ इसके अंदर 25 ग्राम ऊन लगी है और देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी कैप आई है और फिटिंग भी इतनी अच्छे से आती है इसके बच्चे के सिर में डालने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये कैप बन के तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये कैप पसंद आई हो, मेरी कैप का डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी ये कैप कैसी लगी। थैंक यू।